हेलो बच्चों बच्चों, क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का? और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ, यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है बताओ? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ये याद है आप सब बच्चों को, ये चैप्टर पढ़ रहे थे हम। इस चैप्टर के अंदर जो मेन मुद्दे वाली बात थी वो यहां से शुरू हो रही है, तो मैं पहले वो रिवाइज करवा देता हूं आपको। ये मैंने बताया था कि इस चैप्टर के अंदर दो तरह से गलतियों को रेक्टिफाई किया जा सकता है, केस वन और केस टू। केस वन में मैंने आपको बताया था कि जो एरर्स हैं वो हमें कहां पे पता चलते हैं, बिफोर ट्रायल बैलेंस, और केस टू में कहां पता चलते हैं, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। फिर मैंने आपको बताया था कि चाहे केस वन हो या चाहे केस टू हो, दोनों के अंदर ही एरर्स जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, वन साइडेड एरर या टू साइडेड एरर्स। तो आपको अगर याद हो तो आपने ऑलरेडी जो वन साइडेड एरर्स है जिसमें खाली स्टेटमेंट लिखते हैं वो पोर्शन कर लिया था, वो याद है। फिर उसके बाद आपको अगली कक्षा में यानी कि लास्ट लेक्चर में टू साइडेड एरर्स के बारे में भी करवा दिया था, यहां तक याद आ गया। तो बेसिकली आपने इन दोनों के बारे में कर लिया है, मतलब आप एक तरह से केस वन के अंदर की बातों को समझ चुके हो। तो एक लेक्चर में आपने वन साइडेड एरर्स देख लिया था और एक लेक्चर में टू साइडेड एरर्स देख लिया था। अब आज जो हम करेंगे बेसिकली वो क्या डिस्कस करेंगे, केस टू, मतलब आज हम दूसरी तरफ आ जाएंगे। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा जब एरर्स हमें कब पता चलते हैं, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो उसके अंदर हम जब वन साइडेड एरर्स करेंगे तो देखो क्या लिखा है उसमें, क्या लिखवा रखा है, जर्नल एंट्री विद सस्पेंस अकाउंट, तो वो हमारी आज का चर्चा का विषय रहेगा मेन। और जो टू साइडेड एरर्स है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, जर्नल एंट्री, तो वो हमने पहले ही कवर कर लिया क्योंकि वो सेम होता है। तो मजेदार बात ये होती है कि जो टू साइडेड एरर्स होते हैं वो इधर भी सेम होते हैं उधर भी सेम होते हैं, तो आपको मतलब एक तरह से वो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, वो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है ना। तो आज हम बेसिकली केस टू पर फोकस करेंगे और स्टार्टिंग विद वन साइडेड एरर से। चलो तो आप नए पेज पर आ जाओ मेरे साथ, केस टू हेडिंग डाल लेना और इसमें डाल दो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो बेसिकली हम केस टू के अंदर अब एंटर कर चुके हैं जब गलतियां हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलती हैं। तो इसमें आप हेडिंग डालना बड़ी बड़ी बीचों बीच, वन साइडेड एरर्स, वन साइडेड एरर्स। चलो तो लिखो एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल वन में लिखना है आपको परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय रुपी 3000, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय रुपी 3000। चलो तो पहले हम इसका एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद आंसर तो बात की बात है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था परचेज बुक इज ओवरकास्ट, इसके बारे में जब आपको वन साइडेड एरर पहले भी पढ़ाए थे, तो मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं जिन बच्चों का मिस हो गया था या जो बच्चे नशे की अवस्था में रहते हैं उनके लिए।
कि परचेज बुक आपको वैसे याद है, परचेज बुक एक चैप्टर आपने पढ़ा है, परचेज बुक, उस बुक में बताओ क्या रिकॉर्ड करते हैं, चलो ये बताओ। परचेज बुक में, वेरी गुड, उस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो उसके अंदर अगर आपको याद हो तो हम इस तरह से कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं कि जो भी आदमी से हमने सामान खरीदा उस आदमी का हम नाम लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं रोहन 2000, जो भी सामान खरीदा सोहन 1000, जो भी सामान खरीदा, उसके बाद गोपाल 3000, जो भी सामान खरीदा, फिर उस बुक का आप टोटल कर लेते हो और वो जो भी टोटल आता है, तो वो याद है आपको सिखाया था, उसकी पोस्टिंग हम परचेज अकाउंट में बताओ किस साइड करते हैं, कहां करते हैं, डेबिट साइड पर करते हैं, और क्या लिखते हैं, टू सन्ड्रीज, ठीक है ना, ये सिखाया था। तो जो भी परचेज बुक का टोटल आता है उसे हम कहां पोस्ट कर लेते हैं, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे। ये बेसिकली प्रोसेस होता है परचेज बुक का। तो आई होप ये सबको याद आ गया पहले परचेज बुक का प्रोसेस। अब जो गलती हुई है उस पर फोकस करते हैं। यहां पर लिखा है कि परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 3000, तो यानी कि जो व्यक्ति है, जो मुंशी है हमारा, उसने जब टोटल करा परचेज बुक का, तो वैसे तो टोटल है 2000 और 1000 और 3000, मतलब 6000, लेकिन मुंशी ने ये टोटल लिख लिया कितना, 9000। तो इस एरर को हम क्या बोलते हैं, ओवरकास्टिंग। इस एरर को क्या बोलते हैं, ओवरकास्टिंग। तो पहले सबको एरर समझ आ गया। तो जब उसने 9000 लिख लिया होगा टोटल, तो इसका मतलब उसने परचेज अकाउंट के अंदर भी कितना टोटल पोस्ट कर दिया होगा, 9000। तो अब इस गलती का हम हिंदी में, मतलब वो लिख रहे हैं सेंटेंस की, इस गलती से क्या हो रहा है, फिर आप बताना कि आप मुझसे एग्री कर रहे हो कि नहीं। इस गलती से ये हो रहा है कि परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पर 3000 रुपये ज़्यादा हैं। तो क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि इस गलती की वजह से ये हो रहा है, सब बच्चे बोलो हाँ, सबको गलती समझ आ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको इसके बारे में पहले भी सिखाया था तराजू बना के, कि भाई हमें परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पर 6000 रुपये रखने थे, मतलब हमारा तराजू ऐसा होना चाहिए था, पर गलती करने वाले व्यक्ति ने जो तराजू बनाया उसने डेबिट साइड पर 3000 रुपये ज़्यादा रख दिए, यानी उसने 9000 रुपये रख दिए। तो अब अगर आपको कहा जाए कि आपको गलतियों को सुधारना है, यू हैव टू रेक्टिफाई इट, तो आप क्या करेंगे बताइए। आपको ये बात पहले वैसे सिखा चुके हैं कि अगर आपको अब इस तराजू को इम्प्रूव करना है, इसको रेक्टिफाई करना है, तो आप क्या करोगे, उस साइड कितने रुपए रखोगे, 3000 रख दोगे। यानी कि आप अपने तराजू को सही करने के लिए क्रेडिट साइड पर कितने बट्टे रख दोगे, यानी कि यहाँ कितने रुपए रख दोगे, 3000। सबको याद आ गई स्टोरी। तो ये और ऊपर वाला तराजू सेम बैलेंसिंग करेगा, याद आ गया ये पॉइंट। तो आपको जब सिखाया था ये सेम पॉइंट, तो मैंने कहा था कि इसको 3000 क्रेडिट साइड पर रखने के लिए आप परचेज अकाउंट में क्या लिखोगे 3000 के नाम से, मतलब स्टेटमेंट लिखवाई थी, तो मैंने कहा था वो स्टेटमेंट जब शुरू होगा तो कौन से वर्ड से शुरू होगा, बाय, याद आ गया, याद आ गया ना सेम। तो अगर ये हमारा पुराना केस वन के हिसाब से आंसर लिख रहे होते, फॉर एग्जांपल लिख ही देता हूँ कि अगर मैं आपसे कहता कि चलो बच्चों इसको केस वन के हिसाब से इसका स्टेटमेंट बना के आंसर बताओ, तो आप क्या आंसर बताते हैं बताओ, क्या था वो स्टेटमेंट, किससे शुरू होता है ये स्टेटमेंट, आप क्या लिखते, बाय से शुरू करते, याद आया स्टेटमेंट कैसे करते शुरू, बाय से शुरू करते। तो अगर ये केस वन का आंसर होता तो हम इसमें स्टेटमेंट लिख देते बाय, और फिर आगे मैंने कहा था जो भी गलती है वो लिख दो, ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक 3000।
तो अगर ये केस वन होता तो हम इस तरह से सॉल्व करते, पहले सबको ये याद आ गया। लेकिन केस टू में हम ये स्टेटमेंट नहीं लिखते, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है जो हम अब सीख रहे हैं उसमें ये स्टेटमेंट नहीं लिखे जाते, उसमें जर्नल एंट्री ही करनी पड़ती है। तो अब जर्नल एंट्री करने के लिए हमें यहां पर बाय के बाद कुछ एक शब्द चाहिए, क्योंकि तभी हम जर्नल एंट्री कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कंप्लीट होगी भाई, कोई बोल दे बाय, बस खाली बाय लिख के छोड़ दे, तो क्या आप जर्नल एंट्री कर पाओगे उसकी? नहीं कर पाओगे। तो हमें एक शब्द चाहिए ना कि भाई बाय के बाद क्या, बाय के बाद मोहन, बाय के बाद सोहन, बाय के बाद गोपाल, या बाय के बाद SRK, या बाय के बाद सल्लू, बाय के बाद क्या लिखे हम, हमें एक शब्द चाहिए। तो बताइए ये शब्द, तो जिस शब्द के बारे में किसी को नहीं पता कि ये क्या शब्द है, तो बड़े बड़े मुंशियों ने इस शब्द का नाम क्या रख लिया, सस्पेंस अकाउंट। तो इस शब्द का क्या नाम पड़ गया, सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पर अब हम बाय के बाद क्या लिख रहे होंगे, बेसिकली सस्पेंस अकाउंट। अब इस बात को आप जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करो कि अगर आपको लेजर के अंदर, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड पर दिख रहा है बाय सस्पेंस अकाउंट, तो इस पोस्टिंग को जर्नल में कन्वर्ट करो। वेरी गुड स्वेतलाना मैडम, अगर कह रही हैं तो इसका मतलब बच्चा बच्चा सीख रहा है। तो दोबारा बोलना मैडम, क्या एंट्री बन गई? वेरी गुड। तो आपका केस टू के हिसाब से जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, यानी कि आपकी जर्नल एंट्री जो होगी वो ये होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन वही चिपका सकते हो जो पहले सिखाई थी आपको, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। तो हम केस टू में स्टेटमेंट नहीं लिखते, हमें केस टू में जर्नल एंट्री करनी पड़ती है, इसीलिए आपको उस चार्ट में लिखवाया था कि यहां पर जर्नल एंट्री के अंदर हम किसका यूज करते हैं, सस्पेंस अकाउंट का, तो वो इसलिए हो जाता है यूज। तो आप अपना ये मेन सॉल्यूशन लिख लो, ये बॉक्स आपका आंसर है, ठीक है ना। तो एक छोटे से एग्जांपल से मुझे ये समझाना था कि इस तरह से आप जर्नल एंट्री करते हो सस्पेंस अकाउंट का यूज करके। तो ये हमारा मेन आंसर बन गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चलो एक और लिखते हैं एग्जाम्पल टू, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि किस तरह से कहानियां हो रही हैं। एग्जाम्पल टू में लिख लो, सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय रुपी 1000। अब इस बार मैंने ये एरर ले लिया, सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000 का। तो इसको भी मैं एक बार डिटेल में समझा देता हूं, बस फिर उसके बाद मैं इतनी डिटेल किसी में नहीं समझाऊंगा, खासकर कास्टिंग वाली मिस्टेकों में, फिर मैं आपको सीधा एक समरी बनवा दूंगा इजी वाली। लेकिन इसको एक बार और समझा देता हूं डिटेल में, ताकि जिन बच्चों को समझने का मन होता है उनके लिए आसान हो जाए। अब सेल्स बुक जो होती है, जो हम सेल्स बुक बनाते हैं, बताओ उसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? वेरी गुड, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, जो भी हमने सामान उधार पे बेचा। तो आप इसमें कैसे रिकॉर्ड करते हो? आप जो भी मान लेते हैं रोहन को बेचा वो लिखोगे, जो सोहन को बेचा वो लिखोगे, जो गोपाल को बेचा वो लिखोगे, है ना, मान लेते हैं 4000। और फिर आप इस बुक का टोटल करोगे, और वो टोटल, अब दोबारा आप बताओ, सेल्स अकाउंट के अंदर कहाँ पोस्ट करते हैं, बताइए जी? सेल्स बुक के टोटल को सेल्स अकाउंट में कहाँ पोस्ट करते हैं? तो भाई अभी मेरा, अभी हंटर मंगवाया है मेरा, आ रहा है वहाँ से, तो ये तो आपके हाल हैं, चैप्टर चल रहा है आगे का और पीछे के चैप्टर में बच्चे को अभी यही नहीं याद आ रहा कि सेल्स बुक के टोटल को, अच्छा चलो जर्नल एंट्री बोल दो, ये रोहन को सेल करी, इसकी जर्नल एंट्री बोलना, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अगर ये जर्नल एंट्री है, और अब मैं पूछूं कि चलो बताओ सेल्स अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, तो सेल्स अकाउंट में क्या लिखोगे आप? क्रेडिट साइड में लिखोगे ना, बाय रोहन। तो इसका मतलब जितनी भी सेल्स बुक की टोटल होती है
वो कहाँ पोस्ट होती है सेल्स अकाउंट के? क्रेडिट साइड पर होती है। और क्या लिखा जाता है उसके लिए पोस्टिंग करते समय? बाय सन्ड्रीज। तो ये सब पुरानी बातें बेसिक याद होनी चाहिए। चलो खैर, अब ये टोटल जो है सेल्स बुक का वो कितना है? रोहन 1000, सोहन 2000 और गोपाल 4000, 7000 है वैसे। लेकिन गलती करने वाले ने क्या लिख रखा है? 6000। वेरी गुड, क्योंकि गलती क्या हुई? सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 1000, तो गलती करने वाले ने 6000 लिख रखा है। तो इसका मतलब उसने पोस्टिंग भी 6000 की करी होगी, ठीक है ऐसा भाई। तो इस गलती का इंटरप्रिटेशन अगर मैं एक इंग्लिश में लिख दूं कि इस गलती की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर 1000 रुपए कम हैं, तो क्या आप मुझसे सहमत हैं भाई? सब बच्चे बताएं खुल के, सब बच्चे सहमत हैं? ठीक है। तो अब आपको इस तराजू को अगर ठीक करना है, आपको इस गलती को रेक्टिफाई करना है, तो खुद बताओ कि किस साइड क्या लिखेंगे। अच्छा, सीधा सस्पेंस पे पहुंच गए। तो मैं तराजू बना के दिखा देता हूं भाई। आपका तराजू ऐसा होना चाहिए था, मतलब कैसा होना चाहिए था, ये सही तराजू कैसा होना चाहिए था जिसमें क्रेडिट साइड पर 7000 होने चाहिए थे। लेकिन मुंशी की गलती की वजह से उसने अंडरकास्टिंग करी, तो अभी तराजू में सिर्फ 6000 हैं क्रेडिट साइड पर, वो गलत तराजू है। तो गलत तराजू को सही तराजू में कन्वर्ट करने के लिए आप बट्टे कौन सी साइड रखोगे बताइए जी? डेबिट साइड रखोगे। तो कितने रुपए? 1000। तो अगर आप डेबिट साइड रखोगे 1000 का बट्टा, तो ये तराजू तो ऐसा बन गया। तो क्या ये और ये दोनों बैलेंसिंग सेम है? भाई खुद सोचो, आपने पहले जिन बच्चों ने कहा हम सर डेबिट साइड रखेंगे 1000, तो अगर आप डेबिट साइड 1000 रखोगे, तो क्या वो नीचे वाला तराजू और जो होना चाहिए वो सेम बैलेंसिंग हो रही है क्या? नहीं हो रही ना, बात समझ आ रही है? तो ये तो गलत हो गया आपका। डेबिट साइड तो 1000 रुपये नहीं रखना चाहिए, तो गलत हो गया। आपको 1000 रुपये किधर रखना चाहिए? इनफैक्ट क्रेडिट साइड पर। जब आप 1000 रुपये क्रेडिट साइड पर रखोगे, और तभी तो वो ऐसा तराजू सेम बनेगा ना भाई। भाई वजन जो है इधर 6000 है और आपको इधर 7000 चाहिए, तो आप कहाँ रखोगे वजन? इधर ही तो रखोगे ना, बात समझ आ रही है? कल से तराजू तो ना लेकर आऊं मैं एक सब्जी वाले से मांग के, भाई सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब अकाउंट के हिसाब से बताओ कहाँ लिखोगे 1000 रुपये? क्रेडिट साइड पर। वेरी गुड। तो जब आप क्रेडिट साइड पर 1000 रुपये लिखोगे, तो केस वन के हिसाब से तो क्या बनेगा आंसर? स्टेटमेंट बन जाएगी, और वो स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होगी? बाय से। लेकिन केस टू में, इस केस में आप बाय के बाद क्या लिखोगे? वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट। तो अब इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ, तो आपको ये आंसर लिखना है बेसिकली। तो आपका इसमें सॉल्यूशन बन गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000 रुपी टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना? और नरेशन आप वही चिपका लेना, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। तो ये तो जो था तरीका, ये तो मैंने बिल्कुल फुल एनालिसिस के साथ करा, क्योंकि कुछ बच्चों को पसंद होता है कि सर हमें बिल्कुल गहराई से जानना है, ठीक है ना? लेकिन मुझे पता है मन ही मन चार बच्चे गाली भी दे रहे होंगे कि सर ये क्या बकवास कर रहे हो आप, हमें सीधा शॉर्ट तरीका सिखाओ, इजी वाला, रटने वाला, जिससे फटाफट काम हो जाए। तो अब वो भी बात लिख लेते हैं कि एग्जाम में रटने वाला ईजी तरीका क्या है। चलो, तो अब आप हेडिंग डाल लो कि अब मैं आपको जो नीचे लिखवाऊंगा उसमें ओवर एंड अंडर कास्टिंग की हर प्रकार की गलती की जर्नल एंट्री लिखवा दूंगा। तो ये आप हेडिंग बना लो, ओवर एंड अंडर कास्टिंग।
पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। मैं आया हूं बस छोटा सा एक मैसेज लेकर, जरा देखूं तो सही कि बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो के किस मोमेंट पर एग्जैक्टली आप मेरा ये वीडियो मैसेज सुन रहे हो। जरा पता तो चले कि बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं वीडियो से या नहीं। और हाँ, बिजनेस स्टडीज की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अंकुर अग्रवाल सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वहां पर बिजनेस स्टडीज के ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। तो इसमें आपको एक टैबुलर फॉर्मेट बनाना है, बहुत ही सुंदर, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बड़ा सा। ठीक है, निकालो स्केल से बनाना अच्छा सा, सुंदर सुंदर। पहला कॉलम थोड़ा छोटा और अगले दो कॉलम बड़े बड़े। ठीक है, ऐसा बनाना है। पहले कॉलम का नाम है बुक, उसके बाद अगले कॉलम का नाम है अंडरकास्टिंग और अगले कॉलम का नाम है, लास्ट कॉलम का नाम है ओवरकास्टिंग। फिर उसके बाद तीन तीन लाइन के गैप से इस टेबल को काट लो, एक हिस्सा, दो हिस्से, तो टोटल आपको चार हिस्से करने हैं। ठीक है, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। तो ये एक बड़ी सी मतलब आपकी टेबल बन गई, ओवर और अंडर कास्टिंग का सारी समरी इसमें कवर हो जाएगी। फिर इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। अगर आ जाएगा तो 1 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार मिलेगा आपको। ठीक है, चलो तो आइए जी लिखें इसके अंदर कहानी। तो सबसे पहले बुक में लिखना है, नंबर वन पहली बुक है परचेज बुक। तो अगर परचेज बुक की अंडरकास्टिंग हुई है, अगर परचेज बुक की अंडरकास्टिंग हुई है तो आपकी जर्नल एंट्री है, आंसर लिख लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सेकंड बुक सेल्स बुक, आपकी सेल्स बुक की अगर अंडरकास्टिंग हुई है तो आंसर लिख लो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका लॉजिक समझा देता हूं तो आपको इजी भी रहेगा। देखो, जब अंडरकास्टिंग होती है तो अंडरकास्टिंग का मतलब यह होता है कि हमने कम लिखा है ना, हमने कम लिखा है। तो कम लिखने का मतलब यह होता है कि जैसे मान लो आपको अगर 5 थप्पड़ पड़ने चाहिए और पापा ने अभी तक 4 मारे हैं, तो फिर आपको क्या होगा, आपके साथ 1 थप्पड़ कम पड़ा तो आपको 1 थप्पड़ और मारना चाहिए। तो अब परचेज बुक जो होती है, अब आप इसको ये सोचो, जिसको अगर याद है, परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, मतलब पहले तो चलो यही बता दो, क्लियर के हिसाब से ये क्या है, क्लियर के हिसाब से एक्सपेंस है, वो कह रहा है एसेट है, बताओ एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना। तो जब भी कोई किताब कम होती है ना तो आप उसको वही करते हो जो उसका वो बैलेंस होता है। तो परचेज अकाउंट को हमने क्या करा, डेबिट करा। अब सेम लॉजिक आप सेल्स में लगा के देखो, अब सेल्स जो होती है वो क्लियर के हिसाब से क्या होती है, रेवेन्यू, उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर सेल्स बुक कम है तो इसीलिए हम सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जो भी बुक अंडरकास्ट हो, हमेशा याद रखना आप उसका जो बैलेंस होता है ना वही करते हैं। तो परचेज का बैलेंस डेबिट है तो डेबिट करेंगे, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट करेंगे, ऐसे याद कर लेना, इजी तरीका। अब देखो एक और तीसरी बुक, अभी मैं आपसे पूछ सकता हूं धीरे धीरे, मुझे ऐसा लग रहा है।
तीसरी बुक है परचेज रिटर्न बुक। तो इस बार लॉजिक लगाते हैं यही वाला। चलो तो पहले बताओ परचेज रिटर्न क्लियर के हिसाब से क्या है? नहीं, क्लियर के हिसाब से सोचो परचेज रिटर्न क्या है? रेवेन्यू। वेरी गुड। तो इसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अब खुद बताओ एंट्री में क्या होगा? वेरी गुड। तो देखा, इस बार मैंने तो आंसर नहीं लिखा, आपने खुद बताया। तो इस बार क्या आंसर बन गया? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो जब भी कोई भी बुक अंडर कास्ट हो तो आपको सिंपल तरीका सिखा दिया कि आप उसका जो बैलेंस होता है वही लिखना है आपको। और चौथी बुक, आखिरी बुक, आपके कोर्स में चार ही बुक्स होती हैं, सेल्स रिटर्न बुक। तो पहले शुरू से शुरू करेंगे। सेल्स रिटर्न का बताओ क्लियर के हिसाब से क्या होता है? ये एक्सपेंस होता है। इसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर ये बुक कम है तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें अब? वेरी गुड। तो आपको डेबिट ही करना पड़ेगा इस बुक को, यानी कि आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो आप कभी भी किसी बुक की अंडर कास्टिंग हो तो ये याद रखना कि आप उसको वही करोगे जो उसका वो बैलेंस होता है। तो जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसको डेबिट करेंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल तरीका हो गया। अब आपको पूरी उस एनालिटिकल बातों में नहीं जाना। अच्छा, अब रटने वाले बच्चों के लिए मज़ेदार बात ये कि अगर आपने अंडर कास्टिंग वाली याद रख ली तो ओवर कास्टिंग में आपको क्या करना है? उसका उल्टा करना है। तो बस उल्टा उल्टा लिखते रहो। तो परचेज बुक ओवर कास्ट में बन गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सेल्स बुक ओवर कास्ट में बन गया सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, परचेज रिटर्न बुक ओवर कास्ट में बन गया परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और सेल्स रिटर्न बुक ओवर कास्ट में बन गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो अब आपको देखो सारी बातें सिंपल तरीके से इस टेबल के अंदर लिखवा दी। तो एग्जाम के लिए आप ये टेबल से लर्न कर लेना, तरीका भी मैंने सिखा दिया। बाकी कभी जीवन में मन करे समझने का तो वो ऊपर वाली बातें, ठीक है जी। तो पहले सबको क्लियर हो गई ओवर कास्टिंग एंड अंडर कास्टिंग। तो आपको सस्पेंस अकाउंट इस तरह से यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो कॉन्सेप्चुअली मैं दोबारा बता देता हूं। अब आप क्या क्या सीख चुके हो, या पूरा चैप्टर जो है वो अब समापन की ओर आ रहा है कॉन्सेप्चुअली। केस वन बताओ क्या होता है? केस वन, जब आपको एरर्स कब पता चलते हैं? बिफोर ट्रायल बैलेंस। और केस टू कौन सा होता है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अब अगर आपको वन साइडेड एरर पता चला बिफोर ट्रायल बैलेंस तो क्या करना है आपको? स्टेटमेंट। वेरी गुड, वो हम सीख चुके। अगर आपको वन साइडेड एरर पता चला आफ्टर ट्रायल बैलेंस तो क्या करना है आपको? जर्नल एंट्री करनी है। और उस जर्नल एंट्री में क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। वो भी थोड़ा थोड़ा लगभग आप कॉन्सेप्चुअली आज देख चुके हैं ना कैसे आता है। फिर उसके बाद अगर कोई टू साइडेड एरर होगा तो चाहे केस वन हो या चाहे केस टू हो, तो टू साइडेड एरर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? जर्नल एंट्री करनी है। उसमें ना तो कोई सस्पेंस आएगा और ना ही मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट लिखना है, तो वो दोनों सेम ही है।
तो टेक्निकली आप कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बात करूं तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने आपको जो सिखाना था वो सिखा चुका हूं, सारी बातें कॉन्सेप्चुअली कवर हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम एक लास्ट एग्जांपल मतलब करेंगे कॉन्सेप्चुअली किताब पर कूदने से पहले। तो इस मिसलिनियस एग्जांपल में या कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल में हम हर तरह की बातों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये एग्जांपल जो लिखो इस पे सी का सिंबल बना लो, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स ब्रैकेट में लिखा है पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है, बाकी डैश डाल के लिख लो केस टू। अब बार बार क्वेश्चन बोलेगा नहीं कौन सा केस है, आपके लिए याद रखना बाय डिफॉल्ट हमेशा केस टू ही है, केस वन नहीं होता, मतलब वो स्टेटमेंट वगैरह नहीं बनाने होते, हमें जर्नल एंट्री ही करनी होती है। तो रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, तो हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो कुछ एरर्स मैं दूंगा। लिखो नंबर वन, सेल्स टू मोहन रुपी 3000 वॉज पोस्टेड टू मोहन अकाउंट एज रुपी 300। सेकेंड, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन रुपी 6000 वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। नंबर थ्री, रिटर्न इनवर्ड बुक इज ओवरकास्ट बाय रुपी 8000। नंबर फोर, सेल ऑफ रुपी 6000 टू सोनू वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज रुपी 5000। और नंबर पांच, सेल टू गोपाल फॉर रुपी 6000 वॉज पोस्टेड टू सोहन अकाउंट, ठीक है। पांच गलतियां हैं जो वैसे तो आप ही को करनी है, लेकिन पहले मैं बस कॉन्सेप्चुअली चर्चा करना चाह रहा हूं कि आपको ये पहचानना है पहले और मुझे बताना है कि कौन सी गलती कौन सी है, मतलब क्या गलती की क्लासिफिकेशन है आपके हिसाब से। चलो तो पढ़ लेते हैं और आपसे पूछ लेते हैं, फिर आपको काम पे लगाएंगे। सेल्स टू मोहन 3000 रुपए की करी आपने, वॉज पोस्टेड टू मोहन अकाउंट एज 300। तो बताइए इस गलती पर आपके क्या विचार हैं, ये कौन सी गलती है, क्लासिफिकेशन बताइए गलतियों के हिसाब से। एरर ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं एरर ऑफ कमीशन, एक तरह से मेजर क्लासिफिकेशन करने हो तो ये एरर ऑफ पोस्टिंग है, बिल्कुल सही, और जो कि एरर ऑफ कमीशन में कहा जाता है। सेकंड वाला है, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 6000 वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, बिल्कुल सही। रिटर्न इनवर्ड बुक इज ओवरकास्ट बाय 8000, ये कौन सी गलती है, मुंह से पूरा बोलो ना मैडम, एवर और ओवरकास्टिंग तो मैंने कहीं नहीं लिखवाया। या तो आप कह सकते हो एरर ऑफ कास्टिंग बोल सकते हो, और एरर ऑफ कास्टिंग भी एरर ऑफ कमीशन का ही एक तरह से एग्जांपल होता है, तो ये भी एरर ऑफ कमीशन है या वन साइडेड एरर है वो भी कह सकते हो, और एरर ऑफ कास्टिंग भी कह सकते हो,
लेकिन इसकी मेजर हेडिंग होती है एरर ऑफ कमीशन, क्योंकि एरर ऑफ कमीशन के अंदर आते हैं एरर ऑफ कास्टिंग या एरर ऑफ पोस्टिंग, कुछ भी। उसके बाद नंबर चार, सेल ऑफ 6000 टू सोनू वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 5000, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, राइट, इसमें आपने रिकॉर्डिंग में गड़बड़ कर रखी है। नंबर पांच, सेल टू गोपाल फॉर 6000 वॉज पोस्टेड टू सोहन अकाउंट, एरर ऑफ, बोलो, रिकॉर्डिंग तो है ही नहीं मैडम, इसमें रिकॉर्डिंग का एरर नहीं है, वो देखो नशे में वो कह रहा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो दो थप्पड़ मारो गाल पे खींच के। एरर ऑफ प्रिंसिपल में सिर्फ आपको एक एग्जांपल लिखा रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं आपका। एरर ऑफ पोस्टिंग है वो छोटा हेड हो गया, और उसको अब मेन हेड आप कह सकते हो एरर ऑफ कमीशन। तो जितनी भी पोस्टिंग में गड़बड़े होती हैं, हमेशा याद रखना वो एरर ऑफ कमीशन होते हैं, जो भी पोस्टिंग में गड़बड़े होते हैं। चलो, तो मैं वैसे आपको सारी सिखा चुका हूँ अलग अलग लेक्चरों के अंदर, तो अब आपको पांचों आंसर्स बनाने हैं, और फिर उसके बाद आपसे मतलब पूछा भी जाएगा और चेक भी होगी, और डांट जो लगेगी वो तो अलग। चलो तो हो जाओ शुरू। चलो तो अब देखो जी, सबसे पहले नंबर वन गलती पढ़ो, सेल्स टू मोहन रुपी 3000, आपने मोहन को सेल करी है 3000 रुपये की, ठीक है। एक बार ये बताओ, चलो जब हम मोहन को सेल करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री बोलो, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो उसकी पोस्टिंग मोहन अकाउंट में कहाँ होनी चाहिए, डेबिट साइड। तो जब आपने मोहन के अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे थे ना, तब गलती करिए, आपको मोहन के अकाउंट में कितने रुपए पोस्ट करने थे, 3000, लेकिन गलती से लिखा है वॉज पोस्टेड टू मोहन अकाउंट एज 300, आपने उसके अकाउंट में गलती से कितने रुपए पोस्ट करे, 300। तो पहले आपको गलती समझ आई, पहले एरर सबको समझ आया, यानी कि इस एरर का मतलब मैं हिंदी में लिख देता हूँ कि इस एरर का मतलब ये हो गया कि मोहन के अकाउंट में डेबिट साइड, बताओ क्या गड़बड़ है, कितने रुपए कम है, 2700 रुपए कम है, क्योंकि कितने रुपए होने चाहिए थे भाई इधर डेबिट साइड पे, 3000, लेकिन हमने सिर्फ कितने पोस्ट करें, 300 करें, तो इसका मतलब मोहन के डेबिट साइड पे कितने रुपए कम है, 2700 कम है ना। पहले आपको एरर समझ आ गया, तो इधर के बच्चों ने देखो ठीक करा था, तो आपको अब कितने रुपए तराजू में यहाँ पे और डालने पड़ेंगे बट्टे, 2700, वेरी गुड। तो अब इसमें स्टेटमेंट तो लिखनी नहीं है, तो आप खाली टू तो छोड़ नहीं सकते, तो अब इस टू के आगे क्या वर्ड आएगा, वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट। तो अब इसकी जर्नल एंट्री बनाओ, आंसर बताओ, ये देखो नशे में बैठा बच्चा कुछ भी बोल रहा है, मतलब लेजर है एक मोहन अकाउंट, और मोहन अकाउंट में अंदर लिखा है टू सस्पेंस अकाउंट, तो तुम क्या जर्नल एंट्री बोल रहे हो। हाँ, जब आपको लेजर दिख रहा है मोहन अकाउंट, और उसके डेबिट साइड में आपने लिख रखा है टू सस्पेंस अकाउंट, तो इसकी जर्नल एंट्री तो सीधी सीधी ये बनेगी ना, मोहन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो बताओ किस किस का ठीक था, हाँ तो सेल्स लिखा था तो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है, और वन साइडेड एरर के अंदर सस्पेंस अकाउंट आ ही जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। देखो गलती ऐसी हो रही थी कि आपको इस बक्से में सस्पेंस अकाउंट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो सेकंड देखो, सेकंड आपको पहले सिखा रखा था, ये बच्चों ने पीछे से चेप लिया सबने धड़ल्ले से, तो धड़ल्ले से इसका आंसर बता दो सेकंड का। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल था, इसका आपको सीधा मैंने वैसे तो इसके स्टेप्स भी दे रखे थे कि पहले रॉन्ग एंट्री, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश,
फिर उसका रिवर्स कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस, फिर करेक्ट एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर स्टेप टू और स्टेप थ्री को कंबाइन करके जो फाइनल एंट्री बनाई थी या आपकी सेम पॉइंट पहले भी करा है, क्या आंसर बन गया था? राइट, तो इसमें हम सीधा आंसर लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर लिया था, मशीन अकाउंट डेबिट 6000 टू वेजेस अकाउंट, और जिन्होंने स्टेप्स लगा के करा उनका भी यही आ रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। उसके बाद नंबर थ्री में है, ये तो अभी अभी ऊपर से सबने ऊपर से चेपा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड कौन सी बुक हो गई? सेल्स रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट। तो इस बक्से में देख लो तो सेल्स रिटर्न बुक की ओवरकास्ट में क्या एंट्री लिखी हुई है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। तो ये तो सीधा सबसे आसान था थर्ड पॉइंट। तो एग्जाम में एक पॉइंट ओवरकास्टिंग या अंडरकास्टिंग का आता है तो आपका कम से कम चलो इस चैप्टर में एक नंबर तो पक्का हो ही गया। अब तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट है ना, कितने रुपए था? 8000। उसके बाद नंबर फोर में देखो लिखा है सेल ऑफ 6000 टू सोनू वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। और लिखा है इन परचेज बुक एज 5000। तो आपने सोनू को सेल करी थी 6000 की, पर आपने गलती से परचेज बुक में 5000 के हिसाब से रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है ना। तो इसमें आपने स्टेप्स लगाए, ठीक है, मतलब लगाने चाहिए, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है तो मैं भी लगा लेता हूं। तो पहले आप स्टेप वन में रॉन्ग एंट्री बताओ, आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया 5000 के हिसाब से, तो क्या एंट्री करी होगी परचेज की बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए रिकॉर्ड करे आपने? 5000 टू गोपाल, कौन था? सोनू। अच्छा सोनू कर लो फिर, टू सोनू। तो आपने रॉन्ग एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनू, क्योंकि आपने लिखा है, देखो दोबारा पढ़ लो भाई, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 5000। तो पहले रॉन्ग एंट्री क्लियर हो गई। अब इसका रिवर्स कर दो स्टेप टू, इसका उल्टा बोलो, सोनू डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये हो गया आपका स्टेप टू। फिर स्टेप थ्री में हम क्या करते हैं? स्टेप थ्री में क्या करते थे कॉन्सेप्चुअली? करेक्ट एंट्री करेंगे। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी कि आपने सेल करी थी सोनू को 6000 रुपए की, तो इसकी करेक्ट एंट्री बोलो, सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6000। तो अब करेक्ट एंट्री लिख लो, सोनू अकाउंट डेबिट 6000 टू सेल्स अकाउंट, ये है करेक्ट एंट्री। तो टीचर लेकिन यहां तक अभी आपको नंबर नहीं देगी, टीचर कह रही है मैं तो रुकी हुई हूं बच्चे के मेन आंसर के लिए। तो स्टेप टू और स्टेप थ्री को कंबाइन कर लो तो बताओ क्या एंट्री बन जाएगी? सोनू डेबिट 5000 टू परचेज अकाउंट 5000, ये तो स्टेप टू है। फिर सोनू डेबिट 6000 टू सेल्स अकाउंट 6000, ये स्टेप थ्री है। तो कंबाइन आंसर क्या बन गया? सोनू डेबिट 11000 टू परचेज अकाउंट 5000 टू सेल्स अकाउंट 6000, ठीक है। तो सब बच्चों को क्लियर? तो ये तो सबकी गलती थी या किसी की थी? ठीक ठीक है, तो तुम तो होशियार हो ही। खैर अच्छा, तो बट सबको समझ आ गई, अब तो किसी को डाउट नहीं है इसमें।
चलो तो ये हो गया जी आपका फोर्थ का आंसर फाइनली स्टेप लगा के। उसके बाद लास्ट ये भी आपको पहले सिखा रखी थी, सेल टू गोपाल फॉर 6000 वॉज पोस्टेड टू सोहन अकाउंट। तो ये टू साइडेड एरर्स में आपको सिखाया था। अब आपने गोपाल को सेल करा 6000 रुपए का, ठीक है, आपने गोपाल को सेल कर दी, तो इसकी पोस्टिंग गोपाल के अकाउंट में बताओ किस साइड होनी चाहिए? डेबिट साइड, क्योंकि जब आप सेल करते हो तो सेल की एंट्री बोलो एक बार, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आपको गोपाल के अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्ट करना चाहिए था, ये सही पोस्टिंग होती आपकी। लेकिन अब आपने क्या गलती करी पढ़ो, हाँ लिखा है वॉज पोस्टेड टू सोहन अकाउंट, आपने इसको कहाँ पोस्ट कर दिया गलत, सोहन अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो यानी कि अब देखो आपने गोपाल अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, आपने कहाँ पोस्ट कर दिया सोहन के अकाउंट में। तो मतलब आप नशे की अवस्था में थे और आपने गोपाल की जगह गलती से सोहन के अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो ये मैंने आपको सिखाया था पहले भी, तो अब इसकी बताओ क्या होगी जर्नल एंट्री। ये टू साइडेड एरर में पहले कवर कर चुके हैं सेम पॉइंट। हाँ तो देखो आपको अब गोपाल को डेबिट करना चाहिए था, उस गलती को सुधारने के लिए आप अब गोपाल को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे 6000। अब आप गोपाल को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और आपने फालतू में सोहन को डेबिट करा, फालतू में गलत, तो अब उस गलती को सुधारने के लिए आप क्या करोगे, सोहन को क्रेडिट कर दोगे। तो टू सोहन 6000। तो आपकी दोनों गलतियां सुधर गई, सोहन को क्रेडिट कर दिया तो वो गलती सुधर गई, और गोपाल को डेबिट कर दिया तो वो भी ठीक हो गया। तो गोपाल डेबिट टू सोहन। तो ये टू साइडेड एरर में आपको सेम एग्जांपल करवाया था सल्लू और रणबीर वाला, अगर आपको याद हो तो। समझ आ गई कहानी? चलो तो इतना कार्यक्रम आपको बस अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि इसके बाद फिर हम सवाल करा करेंगे किताबों के। तो यहाँ तक सारी कॉन्सेप्चुअल बातें मतलब समाप्त हो जाती हैं। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में, आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी, या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में, किस बात के, मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा, तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते, तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे ना, इनको मोटिवेशन मिलेगी ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।